नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की सीट चर्चा में रही, जहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। आखिर कैसे अखिलेश ने यह करिश्मा किया, क्या है अखिलेश की आगे की रणनीति और क्या अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे या फिर लखनऊ में रहेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशता हमारा स्पेशल शो न्यूज मेकर। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। केवल मौसम नहीं बदला है, इस बार राजनीतिक मौसम भी बदलने जा रहा है। सबसे पेचीदा लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने, वो थर्रा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी। सबसे मुश्किल इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे, शह तो दे ही दी मात भी खाने जा रहे हो। सबसे खामोश और ये जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, लेकिन देखें बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग से एक इंजन गायब है, और जिसके लिए ये दिल्ली वाले आ रहे हैं वोट मांगने, वो उनकी होर्डिंग पे इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे निर्णायक कोई मन की बात नहीं, अब होगी काम की बात और संविधान की बात, तभी देश हमारा खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन यूपी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की सियासत में आए नाटकीय बदलाव के बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कि महज दो साल पहले विधानसभा में धमक के साथ सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के महज चार महीनों में ही समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव में पीछे रह जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बीजेपी को तो इस बात की भनक नहीं थी, सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव ने भी सोचा होगा कि वो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले प्रदेश में सियासी भूकंप लाने वाले हैं। यूपी की सीटों से दिल्ली का सिंहासन सस्ता है, अखिलेश यादव राहुल गांधी, और उसी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर समीकरण पलट कर रख दिए। अखिलेश यादव राहुल गांधी। 1992 में बनी समाजवादी पार्टी का पहली बार इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ, हालांकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसमें 36 सीट तक जीतने का समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी, लेकिन पहली बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीट समाजवादी पार्टी की जीत दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विकल्प बन के खड़ी है। उत्तर प्रदेश राजनीति की नजर में न सिर्फ सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का सबसे अहम रास्ता भी है। 80 सीटों के लिए हुई इस लड़ाई में अखिलेश के सामने राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा आयोजन था, प्रधानमंत्री मोदी की अपील थी, और वो पूरा सियासी बारूद था जिससे अब तक बीजेपी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक किला जीतती आ रही थी। 400 पार का नारा, मिशन 370 और एक अकेला मोदी जैसे नारों से बीजेपी ने अपने राजनीतिक रथ को पूरी गति से उत्तर प्रदेश की जमीन पर दौड़ाया।
लेकिन 80 में से 37 सीट खुद जीतकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि कांग्रेस को भी 7 सीटों तक ले गई। यूपी में अखिलेश कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में थे। अखिलेश की इस जीत का असर ये हुआ है कि अब आसार लग रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में भी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी के सहयोगियों ने ही भितरघात का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने अपनी 7 लिस्ट जारी किया था, तब जब वो सही में भारतीय जनता पार्टी का था तो उसे तो कुछ दो जगह ऐसा सुनने में आया कि कुछ लोगों ने उसमें मतलब जितनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए थी नहीं लिया। फिर वही मैंने कहा कि अगर हम समझाएंगे कौन, हम तो निषादों के नेता, हमारी पार्टी तो 535 बूथ था, तो 535 बूथ में हम लोग 503 बूथ के आसपास जीते हुए निषाद बाहुल, तो बाकी जीतने का तो काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का था। सत्ता पलट की ये स्क्रिप्ट अखिलेश ने खामोशी से लिखी, उससे बिल्कुल उलट जो समाजवादी पार्टी की राजनीति की पहचान है। मुलायम सिंह यादव के जमाने से सपा MY फॉर्मूले पर टिकी रही, यानी मुस्लिम यादव। अखिलेश ने इस इमेज को तोड़ने की कोशिश की, जिसके लिए ये छवि बदलनी जरूरी थी कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 20 OBC हैं, 8 SC, 4 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य और 2 ठाकुर हैं। 62 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया गया और ये सब अखिलेश के संबंधी ही थे। अखिलेश की कोशिश थी कि मुलायम परिवार की छाप से पार्टी को निकाला जाए और पार्टी के पुराने MY समीकरण को भी बेमानी साबित कर दिया जाए। कैमरे के सामने भी अखिलेश लगातार अपने तय किए मुद्दों को ही केंद्र में रखते रहे। यादवों के बाहर दिए गए टिकट से असर यह हुआ कि बीजेपी सपा को सिर्फ परिवार की पार्टी साबित करने में नाकामयाब रही। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा, वो निर्णय लेंगे और मुझे लगता है उस चुनाव का जो नतीजा आएगा वो बताएगा कि वो अपने पिता और चाचा की परछाई से बाहर निकल पाए हैं या नहीं। वोटों के लिहाज से ये बेहद अहम था, क्योंकि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के OBC वोट में सेंध लगाने में कामयाब रहती रही। इसके साथ ही यादव वोटों में बिखराव से सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा था। इस बार अखिलेश अपने परिवार को बिखरने से बचाने में भी कामयाब रहे। चाचा शिवपाल और राम गोपाल भी पर्दे के पीछे रहे। कुनबा जैसा बिखरा पहले नजर आता था, इस बार एक साथ दिखा। बयानबाजी और टिकट वितरण में भी ध्यान रखा गया कि एकजुटता का संदेश बाहर जाए, ताकि पार्टी के वोटर और सहयोगी भी एकजुट रहे। अखिलेश को पराजय ने उनको पॉलिटिकल अच्छी तरह से उनको राजनीतिक पाठ पढ़ा दिया और जमीनी सच्चाई वो समझने लगे कि अगर हमको आना है तो किसी एक जात विशेष या धर्म विशेष का तमगा हमारे ऊपर ना लगने पाए। और अखिलेश को यह मालूम था कि हम अगर बीजेपी के नेक्स्ट राइवल रहेंगे, ये जनता कन्विंस हो जाएगी कि यही है जो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो वो तो एकजुट आएगा। अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव में कई रणनीतियों ने असर छोड़ा, उनमें से एक था कांग्रेस से गठबंधन। 2017 चुनाव में यूपी के लड़के, 2024 का चुनाव करीब आते आते अखिलेश और राहुल में ना नुकुर के बाद गठबंधन तय हुआ। तो पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों पर प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी अचानक से पलट गए, जिसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने खुद को यूपी के युवाओं का चेहरा बनाने की पूरी कोशिश की। एक दूसरे को सपोर्ट किया। 2017 के यूपी और 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी एक दूसरे का फायदा नहीं उठा सकी थी, लेकिन इस बार अखिलेश ने कांग्रेस और राहुल ने सपा के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। दोनों ने एक दूसरे के लिए करीब 15 साझा सभाएं की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने तो TV9 भारतवर्ष के सामने कबूल भी किया कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमीन पर काफी मदद की। महागठबंधन का जो
वोट था वो बिखरा नहीं, वो इंटैक्ट रहा, तो वो जीत का कारण एक वो भी है, एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सपा के लोगों और जो छोटी पार्टियाँ जो हमारे साथ गठबंधन में हैं, इन सब का रोल रहा, सब ने बहुत किया, कांग्रेस के और सपा के वर्करों ने कंधे से कंधा मिला के बात किया। कहूँगा पिछले 6-8 महीनों में माहौल बहुत बदला है, सिर्फ यूपी का ही नहीं देश का भी माहौल, और ऐसी स्थिति में जब दो पार्टियों का गठबंधन हुआ तो लोगों को ये उम्मीद होने लगी कि ये गठबंधन बीजेपी को का मुकाबला कर सकती है, तो लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया। निश्चित रूप से इस गठबंधन ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस जिस वक्त इंडिया का नारा दे रही थी, अखिलेश पीडीए की बात कर रहे थे। चुनाव से एक साल पहले जून 2023 में ही अखिलेश ने पीडीए का फॉर्मूला सबके सामने रखा था और आखिर तक उसी पर टिके रहे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के 86% सांसद इसी फॉर्मूले से चुनकर आए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये फॉर्मूला इतना हिट था कि अयोध्या जैसी बीजेपी की प्रतिष्ठा की सीट भी सपा ने झटक ली। भले ही समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत बीजेपी से कम रहा, लेकिन वो ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। यूपी में सपा को 33.59 और बीजेपी को 41.37%। फिर भी सीटों के मामले में पीडीए एनडीए पर भारी पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014, 2019 और 2017 में जो धर्मवाद और राष्ट्रवाद के चलते एक जातियों की गोलबंदी की गई थी, वो गोलबंदी कहीं ना कहीं बिखरी है, और वही बिखराव समाजवादी पार्टी से छिटका हुआ यादव और मुसलमान वो एक बार लामबंद तरीके से फिर समाजवादी पार्टी की तरफ लौट आया है, और उसी का ये फायदा हुआ। जो सपा के जो कैंडिडेट्स की जीतने वाले कैंडिडेट्स की जो संख्या भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई, यह एक नई बात लेकर के आया है। समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा बहुत प्रदर्शन करके और भी आगे जाने का जो संकेत दे रही है। वोट कम पाकर भी ज्यादा सीटें लाना ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत ही हो पाया। यही वजह थी कि इकरा हसन जैसी सपा की युवा नेता भी संसद पहुंच गई और कांग्रेस का ग्राफ भी एक से बढ़कर 7 सीट तक पहुंच गया। अखिलेश यादव ने प्रदेश की राजनीति सीधे सत्ता से शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें बार बार सियासी हार देखनी पड़ी। कांग्रेस हो या मायावती, उनके सारे समझौते नाकाम हो गए। बड़े नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़ दी। विपक्ष जब इंडिया गठबंधन बना रहा था तब अखिलेश यादव अपने पीडीए के फार्मूले पर ही टिके रहे। किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को दूसरे नंबर पर ढकेल देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी में विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है और दिल्ली के बयानों की धमक पूरे देश में सुनाई देती है, तो अखिलेश विधायक पद से इस्तीफा देकर संसद में बैठकर मोदी सरकार को घेर सकते हैं। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। सबका ये मन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को आवाज उठाएं, हम लोगों को अपने नेतृत्व में काम कराएं। पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में काफी बदलाव किया है। घर में टीपू के नाम से जाने जाने वाले अखिलेश महज 38 साल की उम्र में सियासी बारूदी सुरंग वाले राज्य के मुख्यमंत्री बने। साल 2012 में मायावती को हराने के बाद सबको लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव ही सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राजनीति के पहलवान मुलायम ने अपने ना तजुर्बेकार बेटे को कुर्सी पर बैठाकर सबको चौंका दिया। अखिलेश के सामने चुनौती थी कि मुलायम और उनके साथियों की परछाई से बाहर आकर राजनीति करना और अपनी पहचान अलग बनाना। यूपी में उस वक्त 2.5 दिन की सरकार का जुमला बहुत मशहूर था। ये 2.5 लोग थे अखिलेश, शिवपाल और आजम खान।
धीरे धीरे अखिलेश ने अपना प्रभाव बढ़ाया तो परिवार और पार्टी में काफी धक्का मुक्की भी हुई। अखिलेश के सामने इसके बाद न सिर्फ बीजेपी के बढ़ते असर का खतरा था बल्कि बहुजन समाज पार्टी और खुद सपा की पुरानी उठापटक की चुनौती भी थी। धीरे धीरे चाचा शिवपाल भी साथ आ गए और बीएसपी हाशिए पर चली गई। उन्होंने खुद को यूपी की राजनीति में बीजेपी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बना लिया। उन गांवों का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे? अब तो आपके वहां पांव नहीं पड़ते जिन गांवों को आपने गोद लिया। क्या वजह है, क्या वजह है कि जिन गांवों को आपने गोद लिया था उन गांवों में आपके पांव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गांव का ये हाल है। केंद्र में तो उनकी भूमिका तभी होगी जबकि भारतीय जनता पार्टी को गिराने का प्रश्न आए और उसके स्थान पर कोई इंडी गठबंधन की कोई दूसरी सरकार बनाने का प्रश्न आए। इसके बावजूद क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 3 साल की देरी है तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव देखें कि विधानसभा का चुनाव आने तक अगर वो चाहें तो दिल्ली में भी अपनी स्थिति दिखा सकते हैं। अखिलेश ने बेहद सतर्कता से इन चुनाव में धार्मिक जुमलों से अपनी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस को दूर रखा। वो खुद काशी को भी क्योटो कहकर बुलाते थे क्योंकि मोदी सरकार ने काशी को क्योटो की सिस्टर सिटी के तौर पर स्थापित किया था। अखिलेश ने टिकट बंटवारे में इसका खास ध्यान रखा। 2014 में जो समीकरण पैदा किए थे बीजेपी ने, जो सामाजिक समीकरण बनाए थे वो चले। 2017 में उसका प्रयोग किया वो चला। 2019 में उसका प्रयोग किया वो चला। लेकिन 2022 आते आते उसमें दरारें दिखने लगीं कि जो 325 जो सीटें पाई थी वो 267 में सिमटती दिखी और स्वयं बीजेपी 255 के इर्द गिर्द नाच रही थी। लेकिन या इस चुनाव में आते आते पूरी तरह से बिखराव दिखा और इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, उसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। देश की राजनीति एक दौराहे पर खड़ी है। मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन के सहारे सरकार चलाएंगे। ये दबाव तब और बढ़ जाएगा जब पहले से ताकतवर विपक्ष और मुखर होकर संसद में अपनी बात रखेगा। सियासी चेहरा जितना ज्यादा दिखता है उतना ज्यादा बेहतर। तो फोकस जब दिल्ली पर शिफ्ट होगा तो जाहिर है दिल्ली में विपक्ष का चेहरा बनना दिल्ली की राजनीति से ज्यादा हिंदी भाषी राज्यों और खासकर यूपी की सियासत में संसद में दिखना और बयान देना बेहद अहम हो सकता है। कांग्रेस से हुआ गठबंधन इस चुनाव में दोनों के लिए फायदेमंद रहा। अब यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस को अगड़ों और दलितों का पहले भी साथ मिल चुका है तो सपा पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को साधने की कोशिश करेगी। कमजोर होती मायावती की जगह भरने के लिए अखिलेश के लिए सुनहरा मौका है। इसके साथ ही उनके पास सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी से उनकी केमिस्ट्री और दोनों नेताओं का युवा होना है जिससे वो 24 के चुनाव से हुई पैनी धार को 27 के यूपी चुनाव तक धारदार रखने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की संसद का दरवाजा पार करने के लिए सबसे अहम कड़ी उत्तर प्रदेश का गलियारा है। वहीं यूपी की सत्ता की चाबी के लिए भी दिल्ली बेहद अहम कड़ी है। अखिलेश को दिल्ली और लखनऊ के बीच बेहतर तालमेल बिठाना होगा जिसमें उनके पिता एक मजे हुए खिलाड़ी थे। अखिलेश को पुरानी गलतियों से भी बचना होगा क्योंकि यूपी की सियासत एक पल में पूरी तरह बदलने के लिए जानी जाती है। अखिलेश के सामने जितनी संभावनाएं हैं उससे ज्यादा चुनौतियां भी हैं।